नवाजुदा ने अजीज, आज और इस हफ्ते में जितने दिन खुदा की तरफ से तोहफे हासिल होगी उसमें मुस्तहब नमाजों की अहमियत, उनकी फजीलत के हवाले से खुसूसी तौर पर नमाज शब और नमाज शब पढ़ने के फवाइद आपकी खिदमत में बयान करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल मुस्तहब नमाज जिसे नमाज नफल और नाफिला कहा जाता है, नाफिला की मीनिंग ही इजाफी और एक्स्ट्रा की है। माल गनीमत जो इंसान को हासिल होता है उसे भी नाफिले के नाम से याद किया जाता है और सूरह अनफाल मौजूद है, नफल की जमा अनफाल है। तो इंसान अपने वाजिबात से हटकर जो एक्स्ट्रा इबादत करता है उसे नाफिले के नाम से याद किया जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, फजाइल बेशुमार बयान किए गए हैं मुस्तहबात के, खुसूसी तौर पर मुस्तहब नमाजों के। यहाँ तक के पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि अगर इंसान मुस्तहबात का पाबंद हो जाए, जैसे नमाज शब है और दीगर नवाफिल हैं, तो वो खुदा से इतना करीब हो जाता है कि खुदावंद आलम कहता है कि चूँकि इस बंदे ने मुस्तहबात पर अमल किया है, उस चीज़ को बजा लाया है जो मैंने उसके ऊपर फ़र्ज नहीं किया, तो वो बंदा मुझसे इतना करीब हो गया कि अब मैं उसकी ज़बान, उसके कान और उसकी आँख बन जाता हूँ। तो यानी वो बंदा मुस्तहब और नवाफिल की वजह से इतना पाक हो जाएगा कि वो वही सुनेगा जो मैं चाहता हूँ, वो वही बोलेगा जो मैं चाहता हूँ और वो वही देखेगा जो मेरी मर्जी है। तो ये मुस्तहबात की बहरहाल अंजाम देने के फवाइद हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि जब मुस्तहबात की बात करते हैं तो कुछ नवाफिल रोज़ाना के हैं, कुछ मखसूस अय्याम में हैं, ईदों में, मुनासिबतों में, कुछ शबाए जुमा और शबाए कदर वगैरह में हैं। रोज़ाना की अगर हम बात करें तो इंसान के लिए मुस्तहब है कि 17 रकात वाजिब के अलावा 34 रकात 34 रकात नमाज मुस्तहब अदा करें। तो जैसे ये 34 रकात में जो इंसान पढ़ता है नमाज शब 11 रकात है, सुबह के नाफिले की 2 रकात है, और इसका तरीक़ा भी ये है कि पहली रकात में सूरह हम के बाद सूरह काफिरून और दूसरी रकात में सूरह हम के बाद सूरह तौहीद। अगर किसी को काफिरून याद नहीं है तो जो सूरह उसे याद है वो भी पढ़ सकता है। नियत यही करेगा कि सुबह के नाफिले की 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ और वतन इलम्बा, वाजिब और मुस्तहब बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके दिल में और आपकी नियत में वो नमाज है। तो इसी तरीके से ज़ोहरैन में ज़ोहर के लिए 8 रकात नमाज नाफिला है जो ज़ोहर से पहले पढ़ी जाती है, और असर के लिए भी 8 रकात नाफिले की नमाज है, ये भी असर से पहले पढ़ी जाती है। अब ये 8 रकात अगर खुदा ने तौफीक दी, हमने अदा किया, तो ये तो बहुत मुश्किल ही है बहरहाल, और वक्त का तकाजा भी यह होता है कि हर इंसान उसे पढ़ भी नहीं सकता। हमने खुद जितने साल एतिकाफ़ किए हैं उसी में हमने पढ़ा है, इसलिए कि एतिकाफ़ के आमाल में ये ज़रूरी हो जाता है, जो आखिरी दिन अंजाम दिया जाता है तो उसी वक्त तौफीक मामला इंसान को होती है। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते, बहुत सारे बुजुर्गान उलमा हैं जो इस चीज़ के पाबंद हैं। आयतुल्लाह अहमद खानसारी के बारे में है कि वो 100 साल की उम्र में भी 8-8 रकात नमाज जो ये नाफिले की है ज़ुहर से पहले असर से पहले वो अदा किया करते थे, और 3 मरतबा ज़िक्र रुकू और 3 मरतबा ज़िक्र सजदा के साथ, है ना, 100 साल की उम्र में खड़े होकर
और फिर तीन तीन मरतबा सुभान रब्बी अल अज़ीम व बिहम्द, तीन मरतबा सुभान रब्बी अल आला व बिहम्द, है ना। एक मरतबा वाजिब नमाज में भी नमाज मुकम्मल हो जाती है, लेकिन ये खुदा से लगाव है कि ये लोग इतने पाबंद हुआ करते, तो ये एक नमूना है बाहर का। तो ये आठ रकात अगर हमें तौफीक होगी तो इसकी नमाज पढ़ने का तरीका ये है कि नियत एक ही दफ़ा करेगा कि जोहर के नाफिले की आठ रकात नमाज पढ़ता हूँ कुर्बतन इलल्लाह, लेकिन ये नमाज दो दो रकात करके अदा की जाएगी, जैसे नाफिले शब आप अदा करते हैं, यानी हर दो रकात में तशहुद और सलाम पढ़ेंगे, फिर फौरन खड़े हो जाएंगे, तकबीर के बाद अगली नमाज शुरू कर देंगे। इसी तरीके से मगरिब की चार रकात नमाज है जो मगरिब के बाद पढ़ी जाती है नाफिले। ईशा की एक रकात नमाज वो शामिल होती है, गरचे बैठकर दो रकात पढ़ी जाती है, लेकिन हर वो नमाज जो बैठकर अदा की जाती है मुस्तहब नमाजों में वो एक रकात नमाज का हिसाब होता है। तो इस तरीके से 34 रकात नमाज हो जाएगी। ये मोमिन की अलामत भी है जो पांच अलामतों को प्यारे इमाम ने बयान किया है। मगरिब के बाद एक और नमाज भी मुस्तहब है जिसे नमाज वफायदा के नाम से याद किया जाता है, उसका अपना मखसूस तरीका है। सूरह उसमें सूरह हम के बाद सूरह नहीं है बल्कि आयतें हैं, वज़न्नो ने इज़्ज़ा व मुगाज़रन से शुरू होता है, आखिर तक उस आयत की तिलावत करनी होती है, फिर उसके क़ुनूत का भी मखसूस तरीक़ा है, यानी मखसूस कुरान मजीद की आयत है उसकी तिलावत करनी चाहिए। तो ये नमाज नमाज गुफ़ैला, आपको मालूम है गुफ़ैला की मीनिंग क्या है, वो इबादत जिससे गफलत की जाए, है ना। ये इतनी अहमियत इसकी है कि लोग इसकी फजीलत से गाफिल हैं, इसलिए ये कहा जाता है नमाज गुफ़ैला। हर एक को तौफीक नहीं होती है, इंसान इससे बहुत ज़्यादा गफलत करता है, इतना ज़्यादा सवाब और अजमत है इसके बारे में कि अगर इसके छूट जाए तो गोया कि वो मोमिन गफलत का शिकार है। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये मुस्तहब नमाजें हैं नवाफिल वगैरह हम क्यों पढ़ें, इसका फ़ायदा क्या है, इंशाल्लाह हम कल परसों आपकी खिदमत में बयान करेंगे। एक फ़ायदा हमारे और आपके चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान अगर नाफिला नमाज पढ़ता है तो वो नाफिला नमाज उन वाजिब नमाजों के ऐबों को दूर करती है जो इंसान से हो जाते हैं। वाजिब नमाज में मुमकिन है कि इंसान खड़ा नमाज में हो लेकिन उसका जहन इधर उधर हो, है ना, कुछ अजकार वो भूल गया हो, सही से अदा ना किया हो, या इंसान मखरज और उसमें मुश्किल रखता हो तो सही खरात उसने ना की हो। तो चौथे इमाम बयान करते हैं कि वाजिब नमाजों में जो कमियां नकायस ऐब रह जाते हैं अगर इंसान मुस्तहब पढ़ लेता है तो वो ऐब को दूर कर देता है, नमाज के नवाकिस की भरपाई हो जाती है, उसे मुकम्मल कर देता है इंसान। और आसानी के लिए कुछ अहकाम खास हैं मुस्तहब नमाजों के लिए, मैं वो बयान कर देता हूँ, दो तीन पॉइंट आखिरी इंशाअल्लाह। जिस तरीके से वाजिब नमाज में कुछ खास शरायत हैं, जैसे सुबह की नमाज जहर के साथ पढ़नी होगी, बुलंद आवाज में पढ़नी होगी, मगरिब ईशा की बुलंद आवाज में, लेकिन ज़ोहरैन की नमाज खफी है, आहिस्ता बगैर आवाज के इजहार के नमाज अदा करना है, यानी एक खास कैद है ज़ोहरैन के लिए सुबह और मगरिब ईशा के लिए, लेकिन मुस्तहबात में कोई पाबंदी नहीं है, आपको पूरा पूरा इख्तियार है, चाहे बुलंद आवाज में पढ़ें चाहे आहिस्ता आवाज में पढ़ें, हत्ता पहली रकात में मूड बन गया आपने बुलंद आवाज में पढ़ी दूसरी रकात में आहिस्ता पढ़ लिया तो भी नमाज सही है, कोई इसमें खैर नहीं है। दूसरा, वाजिब नमाज के लिए सुकून की हालत, यानी एक जगह आदमी सही से खड़ा हुआ हो, हरकत में ना हो, तभी वो नमाज अदा कर सकता है, लेकिन मुस्तहब नमाज हरकत में भी, हालत हरकत में भी इंसान पढ़ सकता है।
यहाँ तक कि इमाम खुमैनी का फतवा है तौज़ीहुल मसाइल में, मैं आपको हवाला दूंगा अगर चाहेंगे तो। इंसान सुबह घर से नमाज के लिए आ रहा है, दूर है 10-8 मिनट का मसला उसका रास्ता है, तो नमाज शब की नियत करके 8 रकात नाफिले की जो नमाज है वो रास्ते में ही पढ़ सकता है। अल्लाह हू अकबर। ये सहूलत के लिए है इंसान की कि अगर इंसान चाहे तो ये पैदल चलने का जो वक्त है, रास्ता है, बजाय इधर उधर देखे और वो बोर्ड पड़े, ये बोर्ड पड़े, कहाँ होटल है, कहाँ इडली है, कहाँ पकौड़ा है ना, तो उसके बजाय इंसान यही नमाज की नियत करके नमाज भी मुकम्मल हो जाएगी। आप जो 8 रकात नमाज है ना। एक दास्तान भी है कि एक आलिम दीन गुजर रहे थे, तालिब इल्म ने उनको सलाम किया, तालिब इल्म के सलाम का जवाब उन्होंने नहीं दिया। ये तालिब इल्म हैरान है, परेशान है कि बात क्या है भाई, सलाम मुस्ताब है, वाजिब जवाब है, मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब दर्स में क्लास के मौके पर मुलाकात हुई तो इन्होंने एतराज किया कि आपको हमने सलाम किया, आपने हमारे सलाम का जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि मैं रास्ते में मुस्ताहब नमाज पढ़ के आ रहा था, नमाज में मशगूल था, शायद आपके सलाम को मैंने नहीं सुना है। सही। तो बहरहाल कहने का मतलब ये कि हरकत की हालत में भी इंसान यह नमाज पढ़ सकता है। और एक हुक्म ये कि वाजिब नमाज के खास अहकाम हैं, जैसे इंसान इख्तियार और कुदरत रखने की सूरत में खड़े होकर ही उसे नमाज के अरकान अदा करना है, और जो कैफियत बयान की गई है उसी कैफियत से। लेकिन मुस्तहब में इंसान जानबूझकर इख्तियार रखते हुए भी बैठकर नमाज पढ़ सकता है। इंसान अपनी सहूलत के लिए कि 8 रकात जोहर की नमाज नाफिले की पढ़ेंगे तो हो सकता है कि वाजिब नमाज के वक्त वो थक जाए, इसीलिए वो बैठकर भी पढ़ सकता है, यानी जानबूझकर कुदरत रखते हुए भी बहरहाल वो पढ़ सकता है। और हत्ता मुस्तहबात में से, मुस्तहब नमाजों में से क़िबला रुख होना भी शर्त नहीं है, है ना। कितनी छूट है इंसान को, कोई बहाना अल्लाह ने नहीं छोड़ा, है ना, अहले बैत ने कोई बहाना नहीं छोड़ा कि जिस तरीके से तुम चाहो बहरहाल खुदा से करीब हो सकते हो, अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर सकते हो। तो क़िबला रुख होना भी इसमें शर्त नहीं है, बिल्कुल बरअक्स वाजिब नमाजों के वाजिब नमाजों में क़िबला रुख होना भी शर्त है। तो बहरहाल ये कुछ नुकात थे जिनकी तरफ इशारा कर देना ज़रूरी था। इंशाअल्लाह कल नमाज शब के हवाले से गुफ्तगू शुरू होगी। अल्लाह ने तौफीक दिया तो उसकी फजीलत और तरीक़ा और साथ ही साथ उसके फवाद भी बयान करने की कोशिश करेंगे। खुदावंद आलम हम सबको वाजिबात के साथ साथ मुस्तहबात पर तवज्जो और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद व आलिहि तहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।